की खास पेशकश में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा साह और आप देख रहे हैं स्ट्रीट बज न्यूज। बिहार सरकार साथ ही पटना नगर निगम राजधानी पटना को स्मार्ट सिटी बनाने की बात कहती रहती है। इसके लिए बकायदा संपूर्ण भारत में स्वच्छता अभियान भी जारी है, लेकिन वैसी स्वच्छता किस काम का जब लोग स्मार्ट सिटी के जगह नर्क सिटी में रहने को मजबूर हैं। बिहार सरकार लाख दावे करे कि स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं, लेकिन जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वह स्मार्ट सिटी की तस्वीर की तो दूर की बात है, ये तो नर्क सिटी ज्यादा लग रहा है। बात कर रहे हैं राजधानी पटना के वार्ड नंबर 56 की, जहां जकरियापुर मोहल्ले की निगम पार्षद है किस्मतिया देवी। यहां के लोग काले पानी की सजा काटने को मजबूर हैं। इस काले पानी की समस्या दो चार दिन की नहीं बल्कि करीब 2 सालों से यही स्थिति है। इस रास्ते से होकर लोग आते जाते हैं, करीब 2 फीट नाले का पानी सड़क पर है। महिला पुरुष या फिर स्कूली बच्ची सभी इसी काले पानी से होकर गुजरते हैं। राजधानी पटना वार्ड नंबर 56 के जकरियापुर मोहल्ले की यह तस्वीर बिहार सरकार साथ ही पटना नगर निगम के ऊपर जोरदार तमाचा मार रही है, जहां के पार्षद किस्मतिया देवी सरकार के साथ साथ निगम की इज्जत डुबोने में लगी हुई है। ग्रामीण बताते हैं कि कई बार पार्षद किस्मतिया देवी को समस्या से अवगत कराया गया है, लेकिन समस्या का समाधान के बजाय वो यह कहकर भागा देती है कि आप लोग हमें वोट नहीं देते, जाइए। अब भला जनता जाए तो कहां जाए। इसलिए जनता ने अब मीडिया के माध्यम से ही अपनी समस्या संबंधित हुक्मरानों तक पहुंचाना चाहते हैं। हम तो यही चाहेंगे कि पटना नगर निगम के चुनाव हुए 5 वर्ष हो गए हैं और अब एक बार फिर से कुछ महीनों बाद निगम का चुनाव होने वाला है, तो समस्या रहते अगर निगम पार्षद चेता जाए तो अच्छा है, नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि यह कहावत सच हो जाए कि कुर्सी खाली करो जनता आती है। है गांव का समस्या है, ये आने जाने का मेन रास्ता है। मेन रास्ता जो है करीब करीब ये 2 साल से ये स्थिति है, न नगर पालिका आता है, न ही कोई सरकार आता है, न ही कोई देखने आता है। आज कैसे कैसे मीडिया वाले आप लोग आए हैं, यहाँ कोई नहीं आता है, वार्ड काउंसिलर तक नहीं आता है यहाँ। कौन सा वार्ड है ये? वार्ड नंबर 26 56 है, बलराम है, किस्मतिया देवी है, किस्मतिया देवी वार्ड पार्षद है, वार्ड नंबर 56 है। जल जमाव से देख ही रहे के दम नरक में हम लोग जी रहे हैं। मच्छर तच्छर है, लड़िया में लड़िया सब यहाँ घर में भरा हुआ है, सब करीब बीमारी बीमारी सब पड़ा हुआ है। आने जाने में क्या परेशानी? आने जाने के तो देखिए रहे के ठेवना भर पानी लगता है, यही रास्ता हम लोग के आने जाने का निकास है, हम लोग के निकास बंद है। सरकार जो है मंदिर तंदिर सब जाता है पूजा पाठ कर कर, यही हल के नरक में जाता है, सब लोग पूजा पाठ करता है। सरकार जो स्मार्ट सिटी बनाने का, सरकार कहाँ इस पर ध्यान दे रहे हैं? सरकार तो काम है और दे दिया अपार्टमेंट समूचा गांव में खन दिया है, बिल बाल खन दिया, समूचा मकान खाली हो गया। लगभग 5 साल से नाला का जो नाला नहीं बना था, नाला हम लोग गांव वालों मिलके बनाया भी था पाइप लगा के, तो ये नया रोड बना है, हाईवे नेशनल हाईवे बना है, तो उसको जाम कर दिया गया है और लगातार यह पानी का समस्या है, बड़ी गंदगी है और इससे जहाँ जो कचरा है जो रोड पर आ जा रही है, गंदगी है जितना भी, और इससे गोदाम भी खाली हो गया है लगभग लगभग। यहाँ जितना आप देखिएगा किराया में भी रहते थे वो भी खाली हो चुका है, स्कूल जाने में दिक्कत होता है, मंदिर पास में है तो इसी रोड से जाते हैं, क्योंकि कारण से ये सब खाली हुआ, ये सब नाली के गंदगी नाली के कारण हुआ है, पूरा दम कचरा है। जर्सी गाय समझ गए हैं नगर निगम वाला, आते हैं एगो पाइप डालते हैं पानी ले जाते हैं, वो दो दो तीन तीन घंटा तक वो उधर रहते हैं, वो या धंधा चल रहा है बिजनेस है, वो नाली द्वारा चलाती हैं और लगभग लगभग यहाँ सब गोदाम खाली हो गए, क्योंकि जो भी गोदाम वाले आते हैं वो सब साफ़ सुथरा देखना चाहते हैं और कहें कि स्वच्छ भारत, कहाँ भारत है जब भगवान जाने, बिहार तो पटना भी है, वार्ड 56 है, किस्मतिया देवी है, लगभग लगभग मंदिर जाने में सबसे ज़्यादा मंदिर जाने में दिक्कत। हम लोग नगर निगम में गए हैं, वार्ड पार्षद के पास भी गए हैं, तो वार्ड पार्षद बोले कि 50 आदमी के साथ जाइए नगर निगम में, वहाँ भी गए हैं, जहाँ तक हम लोग का बना मजबूरी में आप लोग को हम ऐसा देना पड़ गया। अच्छा, बेटियों की बारात कैसे आती है? अब देख ही रहे हैं, यही नाली में जाते हैं तो फिर दोबारा स्नान करवाना पड़ता है। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बज न्यूज।
यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।